हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य एंड अजय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो बस यहाँ पे मेरे ससुराल में आज पहला दिन ही है और यहाँ पे देख सकते हो सारा काम मैंने कर लिया है, खाना वाना बन गया है और यहाँ से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो कपड़े उपड़े फैलाने के बाद यहाँ पे फूल में पानी डाल देती हूँ और मम्मी जी पूजा के लिए फूल तोड़ के गई हैं इसलिए फूल इसमें आपको नहीं दिख रहा है, नहीं तो डेली बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब पूरा आंगन ना खिला खिला सा लगता है। और बस घर का काम फिनिश करने के बाद अब मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर में ही मम्मी जी शिव चर्चा करवा रही हैं, वैसे घर में भी करवाती मगर गर्मी का मौसम है ना तो बैठने में दिक्कत हो जाती, इसलिए मम्मी जी बोल रही थी कि मंदिर में ही करवा देती हूँ शिव चर्चा। तो सब लोग आ गए हैं और मम्मी जी स्टार्ट भी करवा दिए। तो मम्मी जी बोल रही थी कि घर में खाना वाना बना के बच्चे को खिला के और काम वाम ख़त्म करके फिर जल्दी से आ जाइएगा। तो बस यहाँ पे मैं पहले सबको गोर लग लेती हूँ। क्योंकि आज हमारा ससुराल में पहला दिन है तो बस यहाँ पे जितने भी लोग बड़े हैं ना हमसे सबको मैं गोड़ लग लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए गाना बजाना हो रहा है, ढोल उल बज रहा है। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा थोड़ा मैं शूट कर रही हूँ और आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को पूरा देखें और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट करिए। आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वैसे मैं यहाँ पे मैं बच्चे को दे दिया था कि थोड़ा सा शूट कर लो और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं खुद घुमा घुमा के ले रही हूँ और यहाँ पे मम्मी जी बैठी हुई हैं। बस सारा पूजा वूजा होके अब सिर्फ गाना बजाना हो रहा है, तो अच्छा खासा टाइम लग गया था। जैसे कि मैं ना मम्मी जी तो सुबह ही 8 बजे ही घर से निकल गई थी और यहाँ पे बस आरती हो रही है। तो बस यहाँ पे सभी मंदिर में मतलब जो भी देवी देवता है ना सबका आरती उरती हो गया है, सबको मैंने दिखा दिया है और मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखा रही हूँ और नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो फिर यहाँ पे देखिए सब जगह पूजा वूजा मतलब करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ शरबत पिलाने के लिए। तो सबको मैं शरबत उरबत पिला देती हूँ और ये मतलब जिसको जितना पीना है ना शरबत वो अपना मतलब मनमाना पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको दे रही हूँ इच्छा भर शरबत पीने का है, मतलब ढेर सारा शरबत बना है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जिसको जितना इच्छा कर रहा है ना पीने का सबको मैं पिलाते जा रही हूँ। और फिर शरबत उरबत पिलाने के बाद अभी मेरा भी फास्टिंग है, अभी तक मैं भी कुछ नहीं खाई हूँ और टाइम हो गया है दोपहर का 2:30 बज गए हैं। और यहाँ पर बस सबको पिलाने के बाद लास्ट में मैं पी रही हूँ और बस यहाँ पे लास्ट में अब मैं जा रही हूँ घर। तो मैं बोली कि आ जाइए एक बार सेल्फी ले लेते हैं। तो बस सेल्फी उल्फी लेने के बाद वो दरी था तो मंदिर का साइड से ही दरी है, चंदा इकट्ठा करके मतलब ख़रीदा जाता है तो सारे चीज़ें ना चंदा इकट्ठा करके ही ख़रीदा गया है। और देखिए अभी मैं आम दिखा रही हूँ और यहाँ पर ना आम बहुत ज़्यादा है और पेड़ में दिखाती हूँ, देखिए गुच्छा गुच्छा आम लटका हुआ है। तो चलिए अब घर जा रहे हैं, अब पूजा वूजा ख़त्म हो गई है, सामान वामान समेट वेट के रख लिए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ घर और घर में बहुत सारे अभी आजकल काम है। तो चलिए आप सब भी घर और फिर घर में जाके फिर खाना वाना खा के फिर शाम हो जाती है और फिर घर का काम फिनिश करके फिर मैं कपड़े वाले शॉप में आ जाती हूँ कपड़े की खरीदारी करने के लिए। न्यू घर में हमारा गृह प्रवेश होने वाला है तो उसके लिए साड़ी तो खरीदा गया था और कुछ कपड़े जो बाकी थे ना उसको हमें लेना था। तो बस ख़रीद के मैं आ गई हूँ और अभी शाम का टाइम हो गया, शाम का बज रहे होंगे 4 बज रहे होंगे और अभी मैं मॉर्निंग में मिल रही हूँ। जब कपड़ा ख़रीदने गई थी ना
शाम का 4 बज रहे थे, और उसके बाद कुछ नहीं, मैं शूट करी हूँ। और अभी मॉर्निंग का 4:45 हो रहा है, 4:48 हो रहा था, और मैं आ गई हूँ फेस वॉश वगैरह करके, और बच्चे अभी सोए हुए हैं और मम्मी जी जाग गई हैं। तो मम्मी जी को भी आज और जाना है, क्योंकि अभी गृह प्रवेश है ना, तो अभी बहुत सारे काम है, तो इसलिए। और मैं दिल्ली में ना 5:30 बजे जागती थी, मगर यहाँ जो है 4:30 बजे में जाग जाती हूँ। और देखिए कितना अच्छा फ्लावर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदित्य एंड अजय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अभी मैंने आपको फ्लावर दिखाया अपने आंगन का, कितना प्यारा है ना, कितना खूबसूरत है ना। इसमें ना पिंक कलर है, दो दो प्लांट जो है ना अपने से निकली है पिंक कलर का, और बाकी तो सफ़ेद वाला तो मैं ला के लगाई थी क्योंकि बहुत भर गया है। तो चलिए, और हाँ आप मतलब एक चीज़ है, और हमारी वीडियो आप सब कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए कंटिन्यू रहिए। और अभी मॉर्निंग का बज रहे हैं 5 और मैं जाग गई हूँ, और इससे पहले ही जागी थी वो 4:45 बजे ही, मगर थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करने में, तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अभी मॉर्निंग का बज रहे हैं 5 और यहाँ जो है पूरा उजाला हो गया है, कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरा मतलब पूरा फ्रेश हो गया, पूरा उजाला हो गया, देख सकते हो। तो चलिए, और आदित्य अजय अभी सोए हुए हैं, इधर मम्मी जी भी जाग गई हैं, अपने कामों में लग गई हैं, इधर भैया भी जाग गए। और सुबह सुबह जब भैया कह ले रहे थे ना, तो बोल रहे थे मत ले। तो चलिए कंटिन्यू रहिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो जितना हो सके फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। तो चलिए अपना कामों में लगती हूँ। तो रात को खाना बनाई थी ना, तो बर्तन उर्तन थे तो मैं नहीं धो पाई थी, क्योंकि कल जो है ना कुछ ज़्यादा ही थका सा लग रहा था। और सुबह सुबह जागती हूँ ना, तो टाइम से मुझे शाम को ना मतलब 8 बजे तक ना पूरा आँख लग जाती है, बिल्कुल दम जागने का बैठने का ही नहीं मन करता, जितना मतलब नींद आती है। तो फिर मैं सो गई थी, और अभी मैं जा रही हूँ, और मॉर्निंग का भी अभी सुबह ही है, अभी 5 भी नहीं बजा है। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी आपसे बात करी हूँ, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन से पहले बर्तन लेके गई हूँ और उसमें पानी भर दिया हूँ, तब तक इधर मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, और फिर खाना उना बना के फिर नहा धो के फिर मुझे भी पूजा करनी है। तो मम्मी जी नहा धो के रेडी हो गई हैं, और वो जा रही हैं पूजा करने के लिए बाहर में, वो देवी स्थान, भोलेनाथ के मंदिर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि घर में गृह प्रवेश होने वाला है। तो ये हम मतलब गरमता बोलते हैं, बाहर का देवी देवता जितनी बोलते हैं जैसे मंदिर में है तो उनको गरमता बोलते हैं, तो वही मम्मी जी गरमता निपने गई है, और उधर से आके फिर घर में पूजा होगा। मतलब पूजा मैं करूँगी या मम्मी जी करेंगी, तो देखती हूँ। मम्मी जी बोल रही थी कि जल्दी से खाना उना बना लीजिए, फिर घर में आप ही कर लीजिएगा। तो इधर मैं बर्तन उर्तन धो लेती हूँ जल्दी से, और ये वीडियो जो है ना मेरे भैया कर रहे हैं, जेठ जी कर रहे हैं, तो उन्हीं को मैं दे दिया था, वो कहना सुन लेते हैं। इनको ना सिर्फ बोलने का प्रॉब्लम है, और बाकी सब कुछ ठीक है, इनका दिमाग उमाग सब ठीक है, थोड़ी सी कम है सिर्फ, मुझे लगता है ना सिर्फ बोलने का प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पे सारा काम फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं फूल तोड़ने के लिए आ गई हूँ घर में पूजे के लिए, और ये उड़हुर का फूल है और लाल लाल फूल है, तो बहुत सारे फूल निकले हुए थे, और जब मैं तोड़ रही थी तो इसमें ना काली काली चींटियां थी, तो यही मैं सोच रही थी कहीं काट ना ले। और देखिए मैं जब दिखा रही थी फूल ना, तो भैया की उंगली लग रहा था मोबाइल के ऊपर। तो फिर बस अब मैं इतने सारे फूल तोड़ के मैं नीचे उतर गई हूँ, और मम्मी जी आ गई हैं बाहर से पूजा करके, तो यहाँ पे बस मम्मी जी को मैं दे देती हूँ, और उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊंगी। और मम्मी जी घर में देखती हूँ, मम्मी जी को अभी और भी बाहर जाना है, मंदिर जाना है पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ फूल लेके जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए बस सभी फूल टूट टूट गया, थोड़ी बहुत और बचे हुए आंगन में फूल,
तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पानी लेके खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे चावल मैं बनाऊंगी और साथ में कढ़ी बनाऊंगी, एक कोहड़ौरी बोलते हैं, पेठा का और दाल का मिक्स करके इसका बड़ी बनता है, तो उसी को मैं बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ से मैं पानी ले लेती हूँ। हमारा जो पानी का पाइप है ना सरकारी, वो टूट गया है, तो अब मुझे बाहर से यहाँ से पानी लेना पड़ता है चापाकल से। तो पाइप से पानी नहीं आते, नहीं तो बहुत आराम होता था, पानी आता था तो अब भर भर के मुझे लेके जाना पड़ता है। तो बस चावल को मैंने धो लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं चढ़ा दिया हूँ। और बड़ी के लिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ, गुनगुना करके इसमें मैं बड़ी डाल दूंगी, तो बहुत जल्दी ही फूल जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता बनने में। तो यहाँ पे देखिए कटोरी में मैंने पानी गर्म किया है और ये बड़ी को डाल दूंगी, जितना मुझे बनाना है ना वो हिसाब से मैं डाल दूंगी बड़ी को। तब तक फूलेगा तब तक मैं इधर प्याज प्याज काट लूंगी, अदरक लहसुन जीरा काली मिर्च में पीस लूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो प्याज वगैरह मैंने काट लिया, मसाला वसाला पिसा गया है। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाली हूँ, उसके बाद जीरा डाली हूँ और उसके बाद एक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ मीडियम साइज का। ऐसे मेरे पास छोटे छोटे प्याज थे तो चार प्याज मुझे काटना पड़ा, बहुत छोटे छोटे थे, मीडियम साइज का रहता तो एक प्याज में काटती। तो इधर मैं लहसुन पीस रही हूँ, अदरक लहसुन में पीस रही हूँ, तब तक इधर मैं प्याज भी बीच बीच में चेक करती जा रही हूँ। और यही पास में ना तो मुझे उठना नहीं पड़ रहा, सारा काम इधर से घूम घाम के मुझे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मसाला जल्दी से पीस लेती हूँ, लहसुन है जीरा काली मिर्च ये सारी चीज़ें, तो जल्दी से पीस लेती हूँ। और यहाँ पे एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है पीस के, और बस लहसुन को डाल देती हूँ और थोड़ी सी मैंने पानी डाला है ताकि मसाला जले ना। उसके बाद एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मैं डाली हूँ, और अच्छे से मिक्स करके इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। और मसाले से जब तेल छोड़ देना तब इसमें हम बड़ी जो फूलने के लिए डाली थी ना वो डाल दूंगी, और फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करके ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दूंगी। तो चलिए आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।